नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक नए सर्कुलर के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जो कि एक बेनिफिशियल सर्कुलर भी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर नंबर 64 जो 14 सितंबर 2018 को इशू हुआ। दोस्तों, इस सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने, ये पॉलिसी विंग ने सर्कुलर इशू किया है। इस सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने बात की ई वे बिल के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के ऊपर और उनकी उससे रिलेटेड पेनल्टीज के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस आई और हमें लोगों ने कहा कि भाई देखिए छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, वाइल द मूवमेंट ऑफ गुड्स आर इज टेकिंग प्लेस, लेकिन उसके लिए जो आपके ऑफिसर्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज जो कि सेक्शन 129 और 30 में ऑफकोर्स टैक्स अमाउंट, टैक्स टू बी वेडेड और टैक्स का अमाउंट और उसके ऊपर इक्विवेलेंट पेनल्टी का अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। तो सोसाइटी ने कहा कि भाई, ट्रेड ने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है और आप इस पर ध्यान दीजिए। तो उस बात को थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए और उस बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ने सर्कुलर निकाला और उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमें पता है कि सेक्शन 68 रूल 138 कैपिटल ए में आपको हर मूवमेंट ऑफ गुड जो कि 50,000 रुपए से ज्यादा है उसके साथ इनवॉइस, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री और ई वे बिल साथ में लगाना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स 129 इन्वोक हो जाएगा। आप पार्ट बी नहीं भरते हैं ई वे बिल का तो भी 129 इन्वोक हो जाएगा। पार्ट बी की सिर्फ एक ही एग्जेम्पशन है और वो है कि अगर आप 20 किलोमीटर तक के लिए वेइंगमेंट के लिए ले जा रहे हो या फिर आप ट्रांसपोर्टर से रेसिपिएंट तक लेकर आ रहे हो या रेसिपिएंट से ट्रांसपोर्टर तक के लेके जा रहे हो, विदिन 50 किलोमीटर लेके जा रहे हो तो पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं। लेकिन अदरवाइज उसके अलावा अगर आपने गुड्स की मूवमेंट की और ये सब इनवॉइस, डिलीवरी चलान, ये सब चीजें और प्लस ई वे बिल नहीं हुआ तो 129 इनवोक होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 6 इंस्टांसेस उन्होंने हमें बताया कि इन 6 इंस्टांसेस में 129 इनवोक नहीं होगा, इनिशिएट नहीं होगा। 6 इंस्टांसेस कौन से हैं दोस्तों? पहला, उन्होंने कहा कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है कंसाइनर या कंसाइनी के नाम में, 129 इनवोक नहीं होगा, मतलब एफटी पेनल्टी, टैक्स अमाउंट जितनी पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर उन्होंने कहा कि पिन कोड में जो कंसाइनर या कंसाइनी के पिन कोड में अगर कोई गलती हो गई है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बशर्त यह है कि उस पिन कोड की गलती से ई वे बिल की वैलिडिटी ना बढ़ जाए। भाई सही बात है, आपने जानबूझकर पिन कोड गलत डाल दिया जिससे कि डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा होते ही आपकी ई वे बिल की वैलिडिटी हो गई। अब वैलिडिटी इंक्रीज होगी और वैलिडिटी इंक्रीज होने पर आप उस ई वे बिल को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। तो उन्होंने कहा पिन कोड गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ई वे बिल की वैलिडिटी उस बात से बढ़नी नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कंसाइनी का एड्रेस गलत है लेकिन अदर डिटेल्स या लोकेलिटी सेम है, मान लीजिए एड्रेस में ऊंच नीच हो गई, मकान नंबर 1520 है, ऑफिस नंबर 1520 है, फैक्ट्री नंबर अब वहां लिख दिया 1522, कोई बात नहीं, लेकिन लोकेलिटी तो आपने वही एक्स वाई जेड लिखी ना कि हाँ दिल्ली में फलानी लोकेलिटी में इंडस्ट्रियल एरिया में माल जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ई वे बिल में आपने जो है इनवॉइस नंबर, डिलीवरी चालान नंबर की डिजिट में ऊपर नीचे कोई गलती हो गई तो कोई टेंशन नहीं है, 129 इनवोक नहीं करेगी। फिर उन्होंने कहा कि एचएसएन में आपने 4 डिजिट लिखनी थी, 6 डिजिट लिखनी थी डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर, आपने पहली 2 डिजिट तो ठीक लिखी लेकिन बाद की 2 या 4 डिजिट गलत हो गई, लेकिन पहली 2 डिजिट ठीक है और टैक्स रेट ठीक लगाया, मतलब 5% लगना था तो 5 ही लगाया, 5 की जगह 12 या 12 की जगह 5 नहीं कर दिया, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आखिरी इंस्टांस उन्होंने कहा भी अगर आपने व्हीकल नंबर में 1 डिजिट या नंबर कोई ऊपर नीचे आपका जो है कैरेक्टर जो है, जैसे कि DL2C, अब DL2C की जगह DL3C हो गया, 1435 की जगह 1436 हो गया, कोई समस्या नहीं है, 129 इनवोक नहीं होगा। अब अगर 129 इनवोक नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों? उन्होंने कहा 125 लगाएंगे हम आपके ऊपर CGST एक्ट का। अब उसमें लिखा है कि अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होती है एक्ट और रूल्स की तो मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर 25,000 रुपए तक की लग सकती है। तो डिपार्टमेंट ने इसी सर्कुलर नंबर 64 14 सितंबर को जो इश्यू हुआ उसी में उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, देखिए इन 6 इंस्टांसेस पे पेनल्टी लगेगी आपकी 500 रुपए प्रति एक्ट और IGST में 1,000 रुपए, 500 रुपए CGST, 500 रुपए SGST और अगर IGST माल जा रहा है इंटरस्टेट ऑफकोर्स तो आपकी पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपए
और पेनल्टी की पेमेंट होगी DRC 07 के थ्रू। और साथ में उन्होंने प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर एक और जिम्मेदारी सर्कुलर पे लगा दी कि वीकली अपने सीनियर को इसकी एक रिपोर्ट दो कि कितने हजार रुपए की, हजार हजार वाली कितने पेनल्टियां आपने गुड्स की मूवमेंट पर लगाई हैं। दोस्तों ये है ये सर्कुलर नंबर 64 जो मेरे हिसाब से एक बेनिफिशियल, एक रिलीफ प्रोवाइडिंग सर्कुलर है, जिस जो रिग्रेस था, जो रिगर था, जो परेशानी थी ट्रेड की इंडस्ट्री की, उसको काफी हद तक इन्होंने दूर कर दिया, परेशानी को कम कर दिया, जो कि पेटी मिस्टेक्स की वजह से बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी लग रही थी। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है CA राजेंद्र अरोड़ा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।